आज मैंने देखी अजय देवगन की नई फिल्म भोला, और जिसे देख के मेरा दिल बोला मजा नहीं आ रहा है। पर हाँ, पठान जितनी भी फुद्दूनी है। हाँ यार, आप मूवी रिव्यू के लिए एक सही जगह पर आए हो, क्योंकि यहाँ पर आपका दोस्त ना तो आपका काटेगा और ना ही ज्ञान बांटेगा। इस मूवी का टीजर ट्रेलर बहुत अच्छी वाइब दे रहा था, और भाई इसका प्रमोशन भी बहुत युद्ध स्तर पे किया था अजय देवगन ने, क्योंकि भाई इसमें वो एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब खुद ही हैं। और भाई इनकी जो लास्ट मूवी थी दृश्यम 2, वो सुपर डुपर हिट हुई थी, तो पब्लिक बहुत ज़्यादा इंतजार कर रही थी इस मूवी का, और पर्सनली मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस मूवी के लिए। लेकिन भाई मूवी देख के ना मेरा सारा जोश ठंडा हो गया। मूवी में भाई अजय देवगन की लकी चार्म तब्बू भी है, और भाई दोनों का बराबर का रोल है, बिल्कुल इक्वल इक्वल। भोला मतलब अजय देवगन एक कैदी है जो 10 साल के बाद रिहा हुआ है, जेल से छूटा है, और भाई वो अपनी बेटी से मिलने जा रहा है जिससे वो आज तक मिला नहीं। वो एक अनाथ आश्रम में है, लेकिन बीच में ही पुलिस उसे धर लेती है और पुलिस के चंगुल में फिर से फंस जाता है। दूसरी तरफ दिखाया कि एक पुलिस ऑफिसर डायना जोसेफ, बोले तो तब्बू, जिसने एक बहुत बड़े गैंग के कुछ मेंबर्स पकड़ रखे हैं और एक बहुत बड़ा ड्रग्स का कंसाइनमेंट अपने थाने में बंद कर रखा है। भाई फिर वो जो है अपने एक सीनियर की पार्टी में चली जाती है, और वो जो बड़े गैंग का जो लीडर है, जिसका रोल किया है दीपक डोबरियाल ने, आशु नाम है उसका, जो बहुत ही पावरफुल बंदा दिखा रखा है, उसकी सेटिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो जो वो पार्टी चलती रहती है पुलिस वालों की, वो उसकी उनकी जो शराब में कुछ केमिकल वगैरह मिलवा देता है, और भाई सारे चित्त हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आशु जो है वो उसके पुलिस थाने पे भी अटैक कर देता है, वहाँ पे बस एक ही कॉन्स्टेबल है। भाई ऐसे हालात में तब्बू के पास जो है वो लोड है कि 40 पुलिस वालों की जान भी बचानी है, और भाई उसे अपना पुलिस स्टेशन भी बचाना है। तो भाई वहाँ पे उसकी अजय देवगन से मुलाकात होती है, और वो अजय देवगन को धर लेती है, कहती है कि भाई तू जो है ट्रक चला, और 40 पुलिस वालों को उस ट्रक में भरती है, कहती है कि भाई मुझे थाने ले जाओ, और बीच में हॉस्पिटल जो है इन पुलिस वालों को भी पहुँचाना है। तो भाई यहाँ पे अजय देवगन उसकी हेल्प करता है, और वो पूरी रात में 1000 गुंडों को लगभग मारता है। देखो मूवी में अगर पॉजिटिव्स की बात करूँ तो भाई सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है इस मूवी में एक्टिंग। भाई सब ने जो एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त की है, अजय देवगन और तब्बू तो खैर बढ़िया एक्टर है ही, लेकिन भाई दीपक डोबरियाल सबको सरप्राइज करते हुए नेगेटिव कैरेक्टर में बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग उन्होंने करी है। दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट है भाई इस मूवी का BGM जो है वो दिया है भाई रवि बसरूर ने, जिन्होंने KGF में दिया था, तो भाई उनका BGM जो है वो बहुत शानदार है। और तीसरा पॉजिटिव है भाई इसके डायलॉग बहुत तगड़े तगड़े मूवी में। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की। भाई इस मूवी की सबसे बड़ी USP जो लग रही थी वो लग रहे थे इसके एक्शन सीन्स, लेकिन भाई इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे सबसे बड़ा यही लगा, इसके एक्शन सीन्स ना यार बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप लगते हैं। देखो यार, साउथ की फिल्मों में जो एक्शन सीन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप होते हैं, लेकिन वो लगते नहीं। उनके जो एक्शन सीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा रॉ और रियल टाइप के लगते हैं, लेकिन इस मूवी के एक्शन सीन्स को बहुत ज़्यादा ओवर स्टाइलिश बनाने के चक्कर में ये बहुत बुरे लग रहे हैं। और दूसरा जो इसका नेगेटिव है भाई वो है इस मूवी में जो कनेक्शन है ना वो बिल्ड नहीं हो पाता। हालांकि मूवी में अजय देवगन का जो कैरेक्टर है उसके पास भाई बहुत ज़बरदस्त इमोशनल एंगल दिखाया है कि वो अपनी बेटी से आज तक मिला नहीं है, और वो इसलिए भाई जो है इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है, लेकिन तब भी पूरी मूवी में उस कनेक्शन को, इस इमोशन को तुम फील ही नहीं कर पाओगे। खैर मुझे तो यार ये मूवी अच्छी लगी नहीं, पर मुझे तो यार पठान भी नहीं पसंद आई थी, उसने भी भाई 1000 करोड़ रुपए कमा लिए थे, तो उस गणित से तो भाई ये डिजर्व करती है 1500 करोड़ रुपए कमाना। और भाई शाहरुख चचा की तरह हमारे जो ये अजय देवगन है वे भी भाई विमलियन है, उनकी भी जो जबान है वो केसरी ही है। खैर यार तुम्हारा क्या प्लान है, तुम मूवी को देखोगे या नहीं मुझे कमेंट में बताना। और अगर इस वीडियो में मजा आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो का यार लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।